नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के सबसे बड़े धार्मिक YouTube चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों कृष्ण भगवान ने अपने भक्त को चोरी करने के लिए प्रेरित किया और फिर उसी भक्त को चोरी के काम के लिए फंसवा दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इस लीला के बारे में जानने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि इस घटना को दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सुनना, क्योंकि भक्त की भक्ति को सिर्फ प्रेम से समझा जा सकता है, ना कि किसी तर्क वितर्क से। तो चलिए शुरू करने से पहले, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आपको मिल सके। एक समय की बात है, जगन्नाथ जी की नगरी जगन्नाथपुरी में माधवदास नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था और श्री कृष्ण को अपना सखा यानी कि अपने मित्र के रूप में देखता था। वह बहुत ही सादा और सरल जीवन बिताता था। वह हमेशा कृष्ण का भजन करता और उसके बाद भोजन करता। हाँ, लेकिन उसके भोजन करने की विशेषता यह थी कि माधवदास हमेशा संतों के भोजन करने के बाद जो उनके पत्तलों में जूठन बच जाती उसे वह ग्रहण करता था। इससे भी ज्यादा अचंभित बात तो यह थी कि जब वह भोजन ग्रहण करता था तो उसके पहले उसी का भगवान कृष्ण को भोग लगाता था और फिर उसे खाता था। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जो माधवदास के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। एक दिन माधवदास श्री कृष्ण के भजन में इतना डूब गया और उनके भोजन काल में भोजन करने का होश ही नहीं रहा। फिर जब शरीर ने बहुत जोर से भूख लगने का संकेत दिया तो उन्हें एकदम से होश आया और वो खाने के लिए उठे। हमेशा की तरह उन्होंने वहीं संतों के झूठे पत्तलों का भोज्य पदार्थ इकट्ठा किया और बहुत जोर से भूख लगने के कारण एक निवाला अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा तो उन्हें याद आया कि अरे, ये मुझसे कैसा पाप हो गया, मैंने तो आज भगवान श्री कृष्ण को भोग ही नहीं लगाया। ऐसा सोचकर अब ना वो निवाला बाहर उगल रहा था, क्योंकि उसे लगा कि बाहर उगलूंगा तो ये संतों का अपमान होगा, और ना निकल रहा था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करता था। ऐसे में वो रोने लगा और दो दिन बीत गए, लेकिन वो निवाला वो अपने मुंह में ही रखा रहा। जब भगवान ने अपने भक्त की भक्ति देखी तो वे वहां पर प्रकट हुए और उसे साक्षात दर्शन दिए, और जैसा कि वो श्री कृष्ण को अपना मित्र मानता था तो भगवान ने उससे अपना मित्रता का रिश्ता बांध लिया। और फिर यही माधवदास नाम का व्यक्ति एक बहुत बड़े संत माधवदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद हर दिन शाम को जब संत माधवदास जी समुद्र के किनारे टहलने जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ टहला करते थे। एक दिन शाम के समय जब माधवदास जी टहलने गए तो देखा कि श्री कृष्ण समुद्र के किनारे उदास होकर बैठे थे। तब माधवदास जी ने पूछा, कान्हा, क्या हुआ है तुमको, तुम इतने उदास क्यों हो? कृष्ण जी तो शुरू से ही लीलाधर हैं, हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संत माधवदास जी को जवाब दिया, मैं जब से जगन्नाथपुरी आया हूँ तब से कोई चोरी नहीं की और बोर हो गया हूँ। तब माधवदास जी ने कहा, कान्हा, ये तो बचपन की बात थी, अब ये सब करना अच्छे थोड़े ही लगता है। तब लीलाधर कृष्ण बोलते हैं, अब मैं क्या करूं, जो आदत बचपन से पड़ गई है तो जाती ही नहीं। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या तुम दोगे मेरा साथ चोरी में? माधवदास जी बोले, क्या मैं? श्री कृष्ण बोले, वृंदावन में तो मेरे ढेर सारे मित्र हैं, किंतु यहाँ केवल तुम ही मेरे मित्र हो, तो बताओ क्या दोगे चोरी में मेरा साथ? तब माधवदास जी बोले, मैंने तो सारा जीवन भजन और कीर्तन किया है, तो चोरी जैसा काम मैं कैसे करूंगा? तब कान्हा ने कहा, तुम सिर्फ मन बनाओ, चोरी करना तो तुम्हें मैं सिखा दूंगा। तब माधवदास जी ने कहा, कान्हा, तुम जो ना कराओ कम है, खैर तुम यही चाहते हो तो यही सही। तब माधवदास जी ने पूछा, कन्हैया, आखिर तुम्हें चोरी किसके यहाँ और क्यों करना चाहते हो? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, यहाँ का जो राजा है उसके बगीचे में बहुत सारे अच्छे कटहल लगे हुए हैं और वो कभी भिजवाता भी नहीं है, तो हम उसी के बगीचे से आज कटहल चुरा कर लाएंगे। तब संत माधवदास जी बोलते हैं, अरे, राजा तो मेरा शिष्य है, उसे तो मैं ही बोल दूंगा तो वो तुम्हें कटहल भिजवा देगा। कान्हा ने जवाब दिया, नहीं, जो मजा चोरी में है वो कुछ और में नहीं। तुम बस मेरी एक बात याद रखना,
चोरी करते समय स्फूर्ति की बहुत जरूरत होती है, तो बस उस पर ध्यान देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर उस रात कान्हा और माधवदास जी निकल पड़ते हैं राजा के बगीचे में कटहल की चोरी करने। अब जब वो बगीचे में पहुंच जाते हैं तो माधवदास जी तेज आवाज में कृष्ण से पूछते हैं कि कौन से पेड़ से लिया जाए, ये वाला या वो वाला। उनकी तेज आवाज सुनकर वहां का माली रात के अंधेरे में चिल्लाता है, मैं बताता हूँ कौन सा वाला। और जैसे ही वो डंडा घसीटते हुए आता है तो कृष्ण जी माधवदास जी को किनारे छुपा लेते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, कोई इतनी तेज आवाज में चिल्लाता है क्या? चोरी करते समय धीमे बोला करो। तो माधवदास जी बोले, अरे कान्हा, मुझे इसका अभ्यास नहीं है ना, अब ध्यान दूंगा। फिर जब वो माली सो गया तो दोनों पेड़ के पीछे से बाहर निकले और श्री कृष्ण ने माधवदास जी को कहा, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और ऊपर से कटहल फेंको, मैं यहाँ पकड़कर इकट्ठा कर लूंगा। अब जब माधवदास जी पेड़ पर चढ़ गए तो एक बार फिर कान्हा से जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि कौन सा वाला तोड़ूं, ये वाला या वो वाला। अब ये सुनकर माली की नींद खुल जाती है और वह तेजी से भागता हुआ आता है। अब भगवान श्री कृष्ण तो ठहरे लीलाधर, उन्होंने माधवदास जी को कहा भागो और खुद अंतर ध्यान हो गए। अब रात के अंधेरे में जैसे ही माली ने माधवदास जी को पकड़ा तो वहीं अंधेरे में उन्हें दो डंडे लगा दिए और बांध दिया कि सुबह राजा के पास लेकर जाऊंगा। अब यहां माधवदास जी ने इधर उधर मुंडी घुमाकर देखा कि भाई वो कहां है जिसकी ये सारी योजना थी। फिर सुबह जब वो माली उन्हें रस्सी से बांधे हुए लेकर जा रहा था तो राजा ने देखा कि ये मेरे गुरुजी को बांध कर क्यों ला रहा है। फिर राजा ने उससे तुरंत उन्हें छोड़ने को कहा और पूछा, गुरुजी आप रस्सी में क्यों बंधे हैं? तो माधवदास जी ने कहा, जब ऐसा बांधने वाला काम करेंगे तो बंधेंगे ही। फिर माधवदास जी ने कहा, कल आपके बगीचे में कटहल की चोरी कर रहा था, उसी कारण ये सब हुआ। राजा ने कहा, आखिर आपको चोरी करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? तब माधवदास जी ने राजा को पूरा किस्सा सुनाया और बताया कि ये सब श्री कृष्ण की योजना थी। ये सब सुनकर राजा का हृदय भर गया और आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी समय अपना कटहल का पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। फिर अगले दिन जब माधवदास जी समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो वहां श्री कृष्ण जी आए और बोले, और बताओ मित्र, कल की रात कैसी कटी? तब माधवदास जी बोले, तुम तो वहां से भाग गए और मुझे पकड़वा दिया। फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि चोरी करते समय स्फूर्ति की जरूरत होती है। तब माधवदास जी बोले, देखो तुमने इतनी स्फूर्ति दिखाई और कुछ भी नहीं लाए, और मैं तुम्हारे लिए सारा बगीचा ले आया। कहते हैं कि आज भी वो पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम पर ही है। इस कहानी से हमें ये भली भांति पता चलता है कि अगर आप अपने इष्ट से कुछ रिश्ता बनाते हैं तो वो उस रिश्ते को जरूर निभाते हैं। भगवान को पाने के लिए सिर्फ प्रेम की जरूरत है और कुछ भी नहीं। हमने इस वीडियो का टारगेट 1,00,000 लाइक्स रखा है, तो देर किस बात की, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और लाइक का बटन दबा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल करें, और हमारे ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। जय श्री कृष्णा।